हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल हमने एक्सप्लोर किया था, तो आज हम लोग चलेंगे ऊपर की ओर। भगवान भोलेनाथ की मंदिर है जो ऊपर में। जो सेकंड फ्लोर आया है यहाँ पे हम लोग रेस्ट के लिए रुके हैं और काफी ज्यादा फीस होते जा रहे हैं। 10% अभी चढ़े होंगे, 90% बाकी है। ट्रैक के लिए रेडी है, आइए चलते हैं फिर से ऊपर की ओर। क्या कुंदन, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई को मजा आ रहा है और धीरे धीरे राइड एडवेंचर होते जा रहा है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले और कमेंट करे यार, कमेंट करने से काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। क्या भैया कैसा लग रहा है, कुछ बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया जी को। काफ़ी ट्रैक करने के बाद हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं और ऊपर में वहां पे मंदिर है भगवान भोलेनाथ का और हम लोग ट्रैक करके आए हैं। और बेसिकली यहां ट्रैक का ही सुविधा है, रास्ता भले ही 3 है, चलते हैं मंदिर की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें यार, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि कमेंट करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं और इसी तरह और बेहतर कंटेंट लाने का जुनून पैदा होता है। तो यार कमेंट जरूर करें। यार आप लोग भीड़ देख सकते हो, जो सामने में दिख रहा है वहीं पे मेन मंदिर है, उसी के अंदर एक शिवलिंग है भोलेनाथ का। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम उधर नहीं जा पा रहे हैं दोस्त, और पूजा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मारा मारी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धा जुटे हुए हैं खासकर पूजा करने के लिए। मैं शिवलिंग का फ़ोटो साइड में कहीं पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और हम लोग ट्रैक करके आ रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं वो साइड सब दिख रहा होगा, वहीं से हम लोग ट्रैक करके ऊपर आए हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर से नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग ऐसे हैं जिनकी मन्नत पूरी होती है, तो काफ़ी कुछ का यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। जैसे ऊपर में भोजन का भी व्यवस्था था, भोजन भी चल रहा था, गुड़ चना का भी चल रहा था। और यहाँ पे रास्ते में ही निकले कि यहाँ पे चाय का व्यवस्था है, तो आइए हम लोग भी चाय ले लिए और चाय पी कर ही जाएंगे। Thank you.
मंदिर से नीचे आ गए हैं और अभी हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे म्यूजियम में जाएंगे और वीडियो वगैरह दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं म्यूजियम की ओर। हम लोग म्यूजियम की ओर, आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या रहस्यमय चीज बनी हुई है। और मे भी मैं एक बार पहले गया था तो इसमें पूरा कंस्ट्रक्शन बड़ाबड़ का दिया हुआ था, कैसे कैसे आने का रास्ता है, काफी कुछ बताया गया है। तो आइए चलते हैं म्यूजियम में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग म्यूजियम में पहुंच चुके हैं। आप बोल सकते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन तैयार किया गया है, कैसा बड़ाबड़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और दिखाया, और आइए इस तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ अंदर आया, यहाँ पे कुछ देखने लायक नहीं है, बस यहाँ पे छठ का कुछ सीन बनाया गया है, वो भी काफी ज्यादा बद से बदतर हालत में है, कि रिपेयरिंग का जरूरत है, डेवलप्ड किया जाए ये चीज को। हालांकि काफी डेवलप्ड हुआ है बड़ाबड़ में, काफी कुछ बदला है, तो और भी डेवलप्ड की जरूरत है। जैसे अभी रोपवे का काम कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे रोपवे भी बन रहा है, तो ऊपर जाने में ज्यादा मुशक्कत नहीं करना पड़ेगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और रोपवे से लोग आराम से, आदमी लोग जा सकते हैं, श्रद्धालु लोग ऊपर जा सकते हैं। जो ऊपर मेन मंदिर है टॉप पे, शंकर भगवान का शिवलिंग है टॉप पे है जो, तो वहाँ पे रोपवे की मदद से लोग जा सकते हैं। तो आए एक बार, आप लोग भी बड़ाबड़ आए तो विजिट करें, घूमे फिरे, काफी अच्छा है यार। और मुझे, और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप घूमने के पर्पस से आते हैं तो ऑफ सीजन में आएं, और अगर मस्ती करना चाहते हैं, काफी कुछ मेला का लुप्त उठाना चाहते हैं, तो आप लोग सावन में आएं यार, सावन में काफी ज्यादा भीड़ रहता है। और जैसे कि मैं आज दिखाया आपको, आज कौन सा पूर्णिमा है ना कुंदन, आज पूर्णिमा था, इसके कारण काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ था, ना हम जा पाए मंदिर में और ना कुंदन भाई जा पाए, दोनों हम लोग ऐसे ही बस गए और थोड़ा सा ऊपर का सीन लिया, आप लोगों को दिखाया, टाइम लैप्स लिया। म्यूजियम है, म्यूजियम में कुछ खास नहीं है। आई थिंक 4 साल पहले बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा, काफी कुछ था देखने लायक, पर अब कुछ नहीं है। तो आइए, म्यूजियम हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ से कुछ थोड़ा सा खाना खाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे।